नमस्कार, वरदान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आरावली भिलोदा के जनाली गांव में भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण, नए सरकारी अस्पताल की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी। शासकीय अस्पताल के लिए कलेक्टर द्वारा 2015 में भूमि स्वीकृत की गई थी, उपजाऊ जमीन पर राजनीतिक प्रताड़ना के चलते निर्माण नहीं हो रहा, जिसके कारण भूख हड़ताल जारी की गई। वर्तमान में चल रहे जर्जर स्वास्थ्य केंद्र के सामने बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भूख हड़ताल पर मौजूद रहीं। संवाददाता भरत ठाकुर, वरदान इंडिया न्यूज की लाइव रिपोर्ट। हूँ माजी सरपंच गोविंद भाई हरखा भाई बंगी। हूँ 2012 मो मुड़ीबेवा ग्राम पंचायत में सरपंच तरीके फरज पर फरज बजाई चुको छू। मारी सरपंच पण वक्त आ दवाखान मंजूर थी आए थी। ये वक्त मैं 413 सर्वे नंबर पैकी गामतर ठराव करी अने मैं दवाखाना माटे आ जगह मैं कलेक्टरशी ने आपेली। त्यार पछी कलेक्टरशीए आ जगह नो हुकम करी, हाथमां उतार में नोंध पारी अने आ जगह आरोग्यना विभागना नामे करेल। त्यार पछी मेडिकल ऑफिसरशीए सर्कलनी हाजरी में तेनो कब्जो सुप्रत करेलो लीधेलो। त्यार पछी साहेब आज आज दिन सुधी तेनी कोई आगनी कोई कार्यवाही थती नथी। लगभग 7 वर्षथी अमे कलेक्टर कचेरीना तमाम टेबलो पर अमे ओटा फेरा मारी मारीने अमे थाकी गया छे साहेब। कोई पण अधिकारी अमनो रिस्पोन्स कोई आपतो नथी। कोई राजकारण कोई होद्देदार ने अमे घनी विनंती घनी आजीजी करी पण हमणा अमारो आ आज दवाखानो जे प्रश्न छे ए प्रश्ननो कोई न्याय आपवा माटे तैयार नथी। आ जनाली गाम छे ए बीजेपीनो गढ़ कहेवामां आवे छे। बीजेपी नो गढ़ में कोई पण व्यक्ति घोड़ो गेलो व्यक्ति जो बीजेपी नाम उभो रह तो पण जीतीने बताव एवं आ गाम छे बराबर। पण आज आदि तारीख में कोई पण बीजेपी ना होद्देदार कोई भाई पेला कांग्रेस ना होद्देदार सरकारी अधिकारी पण अमने कोई रिस्पोन्स आप्यो नथी। आ फाइल माटे साहेब चार कलेक्टर बदलाई गया। आ आ आ कलेक्टर कचेरी में साहेब भाई पटावाड़ा थी मोड़ीन ते छे कलेक्टर सुधी मने बद्दा ओरखी से मने साहेब एटला मे पोटा मारेला छे साहेब। मे आ आप आ जे दवाखानी फाइल माटे मे जे कागरिया भेगो करे साहेब ए मने हाचे साथे मारु घर भराई गयो साहेब बराबर। पण आ सुधी संसद सभ्य साहेब ज्यारे चूंटणी हती एक हता गाम मां आयला बराबर, तो हुं जीतीने आवीश तो हुं तमने काम करी बतावीश बराबर। आवो आ અમારા ગામના પબ્લિક જોડે આ અર્થે વચને બંધાયા હતા તો અને એમને જ અમારા વિરુદ્ધમાં અન્ય બીજા ગામમાં દવાખાનું બને એવો એમને એમના પોતાના લેટર પર લખીને કૌશિક પટેલ આપણા મહેસૂલ મંત્રીને આપેલો સાહેબ, જેથી કરીને સાહેબ આ ફાઇલ એટલી બધી રવડે ચરી હતી એ તો સાહેબ મારા પગ થઈ ગયા છે સાહેબ કલેક્ટર કચેરીમાં મારા ઓટા ફેરવા સચિવાલયમાં જઈ જઈને સાહેબ બે નીતિનભાઈ સાહેબ પટેલને મળીને ગામના લોકો બધા ભેગા થઈને અને અમે સાહેબ આ જે કૌશિક પટેલનું જે પત્ર હતો એ પત્રના અનુસંધાનમાં અમે આ